चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। अभी जो मार्केट में आज का जो मोमेंटम हुआ उसके पीछे का लॉजिक वगैरह साइकोलॉजी, यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ में आपको वीडियो डालते जाऊँगा हर रोज़, तो आपको सीखने को मिला गया आज मार्केट में किस तरह का मोमेंटम हुआ वगैरह, कल आपने क्या एनालिसिस किया था। तो कल मैंने क्लियर कट एनालिसिस बोला था, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तब एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मार्केट आज अगर देखे तो 21st ऑफ यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई लो अगर देखे, लो ब्रेक हुआ ठीक है, यहाँ पे गैप फिल कर गया, गैप फिल करके बाउंस बैक दिया, लेकिन पिछला जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे एक जो भारी बिक वाली का प्रेशर आया था वही से एक मार्केट में अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद में जो है मेरा जो एस्ट्रो टाइम था, तो जिन लोगों ने यहाँ पे मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कीजिए, तो यहाँ पे मैंने आपका एस्ट्रो टाइम भी दिया था जो कि आज का जो एस्ट्रो टाइम था ऑलमोस्ट यहाँ पे 11:30 और 1:45। तो 11:30 को क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख ले, तो जैसे देख सकते 11:30 यहाँ पे एक बढ़िया फॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो इस अगर इस तरह के जो एस्ट्रो टाइम्स अगर आपको चाहिए तो मेरे को ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत कुछ आपको अपडेट दिए थे, तो जिन लोगों ने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे ज्वाइन कर सकते, उसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अभी जो आज का जो मार्केट है, तो आज के मार्केट में यहाँ पे क्या मोमेंटम हुआ, किस तरह से ट्रेड फाइंड आउट करते हुए देखने को ला यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो जो कि 17,930 के यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट परफेक्टली यहाँ वहाँ पे गया जो कि 18,000 का लेवल है, और जो 8,950 का रेजिस्टेंस भी है परफेक्टली वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। और जिन लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला तो उनके लिए मैंने लेवल भी बोला था कि अगर 900 के नीचे निकलता है, 17,900 के नीचे निकलता है तो एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आपको पता होता है कि 900 के नीचे जाएगा सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो इस तरह में क्या करना का इस जब भी, तो जब भी देखो 900 का लेवल ब्रेक हो तो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेने का, यहाँ पे पुल बैक आया, और इस पुल बैक में अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हो तो एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला। नीचे की तरफ अगर देखें तो 17,800 के लेवल पे यहाँ पे डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, जो कि कल का जो सपोर्ट था उसी सपोर्ट को मार्केट ने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया, यही से एक रिवर्सल देखने को मिला। 850 के नियर बाय जैसे सस्टेन हुआ तो टुवर्ड्स द अभी 900 के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है अभी, इसके लिए 880 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन रहता है, यहाँ पे कोई प्राइज एक्शन बनाता है, देखो इसके ऊपर सस्टेन रहता है, इसके ऊपर कोई प्राइज एक्शन बनाता है तभी निफ्टी के लिए अपसाइड के लिए मैं मानूंगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्या करता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार आपको ऑप्शन चेन डेटा भी दिखा देते, जो अभी ऑप्शन चेन डेटा, अभी ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है जो एक बार रिफ्रेश कर देते, तो ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। ऊपर की तरफ जो 17,900 का लेवल है यहाँ पे ओआई देख सकते हैं, सबसे ज्यादा कॉल साइड में देखने को मिल रहा है, पुट साइड में बहुत कम है, लेकिन नीचे की तरफ 17,800 में यहाँ पे देखें तो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट खेला है। जैसे कि कल मैं लाइव आया था, तो लाइव में एक जन ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे मार्केट 800 तक गया नहीं, उससे पहले यहाँ पे भाग क्यों गया, तो यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा है उसकी वजह से उसने सपोर्ट ले रहा है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो 17,900 पे अच्छा सा कॉल राइटर है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन जब 900 के अबव क्लोज करेगा, देखो 900 के अबव क्लोज करेगा तभी एक शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, वो देखना पड़ेगा। जब उसके बाद में बैंक निफ्टी अगर देखे, तो बैंक निफ्टी के लिए आपको चार्ट पे पोस्ट किया था कि अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो इसके ऊपर एक मोमेंटम करेगा, नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा, इसके ऊपर अगर देखे तो एक बढ़िया रेंज बनाए। देखो मार्केट में अगर ऑप्शन बाय रहे तो इस तरह का रेंज चाहिए, तो एक मार्केट एक रेंज में ट्रेड करे, उस रेंज को अगर ब्रेक किया तो एक बढ़िया फॉल देखने को मिला, उसकी वजह से यहाँ पे जितना अकुमुलेशन हुआ उसका एक डाउन साइड के लिए रिट्रेसमेंट देखने को मिला। उसी हिसाब से अगर देखें तो आज मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि 40,500 का, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको बोला था कि जो की लेवल है जो कि 40,500, और 40,500 के नियर बाय परफेक्टली मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट के लिए 40,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 40,800 के अबव सस्टेन करता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 41,000 का राउंड फिगर नंबर है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को काटता है नहीं ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बार मैं व्यू आपको बता दूं, तो एक बड़ा सेलिंग का प्रेशर मार्केट में आया हुआ है, उसके बाद में जो कि 40,950 का मेरे रेजिस्टेंस रहेगा, तो अभी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में अगर मैं अपडेट दूँ आपको 2 बजे के, तो फिर निफ्टी के लिए 18,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 18,300 के लेवल पे क्या करता है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीचे की तरफ 200, तो 100 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ हीरो जीरो ट्रेड अगर मिलता है तो मार्केट का कंडीशन देखे क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड के लिए, तो जब भी ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे 300-350 का जो भी पुट रहेगा अगर वो कम प्राइस में मिलता है तो मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ में एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा जो एस्ट्रो व्यू है तो एक मार्केट में लास्ट टाइम में एक थोड़ा सा अपसाइड के लिए रैली देखने को मिल सकता है,
सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एक ट्रेड मेरे सजेस्ट हो सकता है। तो लेकिन कहाँ पे ओआई ज़्यादा है आपने देख लिया, चलिए एक बार बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 40,800 का लेवल मेरे लिए फोकस रहेगा। देखो 40,800 का लेवल यहाँ पे कॉल साइड में 95,000 है, पुट साइड में 65, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है। लेकिन 40,500 का लेवल है यहाँ पे नीचे की तरफ अच्छा सपोर्ट राइटिंग देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है। मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा तो एक साइडवेज रहेगा, जब तक 800 के अबाउ निकलेगा तब एक बुलिश मोमेंटम होगा, 500 के नीचे निकला तो बेरिश मोमेंटम होगा। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेकिन ये 300 के पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट बहुत यहाँ पे साइडवेज होता देखने पड़ रहा है। उसके हिसाब से अगर देखें तो मैं आपको थोड़ा इंडेविक्स देखे, चलिए इंडेविक्स अगर देखे तो इंडेविक्स एक रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये 14 के ऊपर जाता है तो अपसाइड के लिए एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, साइडवेज टू अपसाइड। लेकिन नीचे की तरफ आता है तो साइडवेज टू डाउनसाइड के लिए मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नजर बना के रखे, तो जब भी यहाँ पे एक बॉक्स में ब्रेकआउट देगा, अपसाइड इंडेविक्स ब्रेकआउट देता है तो बेरिश का सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो एक बुलिश का सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो इंडेविक्स को भी ट्रैक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको भी डाल दिया है कि यहाँ पे जो एक न्यूज आई कि जो इक्विटी का जो टाइम है, जो मार्केट का टाइम है, जो 5 बजे तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे 5 बजे तक मार्केट चालू रहता है कि नहीं, इक्विटी के लिए क्या रहता है वो देखेंगे। और उसके बाद में जो आज पुतिन और रशिया का भी न्यूज आने वाला है 2:30 को, तो वहां पे भी देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि आज मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया, क्या लॉजिक था वगैरह, किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूं।